हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे ये बताना, दो दिन से ब्लॉग नहीं जा रहा है, उसके पीछे एक वजह है। एक्चुअली मैं अब जो हूँ एक एक दिन पे करके वीडियो डालने लगी हूँ, तो कल मैं डालने वाली थी बट कल हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, ट्रक वाले ने टक्कर मार दी थी बिजली के खंभे को, जिसके कारण जो है परसों रात से बिजली कटी थी और कल रात 8 बजे बिजली जो है वो आई है, तो मैं नहीं डाल पा रही थी, फ़ोन एकदम डिस्चार्ज हो गया था। तो ये उसके पहले का वीडियो क्लिप है, मॉर्निंग का टाइम है, मैं यहाँ पे चाय वाय चढ़ा रही हूँ, दूध लेके आए हैं ये, और इसके बाद जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। और आजकल मॉर्निंग में नींद ही नहीं खुलती है, रात में थोड़ा लेट सोती हूँ तो सुबह जो है नींद ही नहीं खुलती अच्छे से। तो यहाँ पे जो है बर्तन धोने जा रही हूँ, ये मैं धो रही हूँ, थोड़ा राख मैंने मतलब रखा हुआ था, लाई थी मैं, तो उससे जो है मैं धो रही हूँ बर्तन, उससे बर्तन एकदम ना शाइनी शाइनी हो जाते, चमक जाते, अच्छे हो जाते हैं। तो कभी कभी धो लेती हूँ उसे, मैं घोल के उसको जो है इस तरह से अच्छा धो जाता है। तो चलिए बर्तन धो लेते हैं। और अभी इस समय ना मेरे गेटअप को माइंड बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मैं ऐसी ही उड़पटांग बनी रहती हूँ। सुबह के टाइम शायद ज़्यादातर लेडीज़ ऐसी ही बनी रहती होंगी, तो मैं भी बनी रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे बर्तन जो है वो धो चुके हैं और लगे हाथ चाय भी खोल चुकी है। तो ऐसे ही करती हूँ, एक एक पंत दो काज करती रहती हूँ, एक ही टाइम पे दो काम करती रहती हूँ। और आज मैं आपको एस एन फ्यूचर के बारे में कुछ बताऊँगी, थोड़ा बहुत डिटेल दूंगी, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न कुछ डाउट होगा तो कॉमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जो हूँ आपको बताऊँगी क्या करना है कैसे करना है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं लग जाती हूँ बेडरूम वगैरह सब क्लीन करने में। और इस टाइम ऐसा हो गया है कि दिन जो है वो बड़ा हो गया है, रातें जो हैं वो छोटी हो गई हैं, तो रात में ऐसा सोना तो लगता है ना कि नींद ही नहीं पूरी होती, सुबह उठो तो लगता है बाप रे कितना जल्दी जो है सुबह हो गई, नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, प्लीज़ बताइएगा। और दिन में सोते नहीं बनता है, क्योंकि दिन में हम लोग का घर जो है ऊपर वाले है, मतलब ऊपर है, मतलब सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर नीचे है तो ऊपर हम लोग का सेकेंड फ्लोर पर है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है धूप की वजह से, कूलर भी काम नहीं करता है, तो दिन में सोना इम्पॉसिबल रहता है, एकदम जैसे आग आग जैसा लगता है, बहुत परेशानी होती है। तो चलिए फटाफट क्लीनिंग कर लेते हैं, मेरी परेशानी सुनते रहेंगे आप लोग तो क्या, बहुत लंबी लिस्ट है परेशानियों की, लेकिन ठीक है, लाइफ में कुछ परेशानियाँ भी होनी चाहिए, खुशियाँ भी होनी चाहिए, सब कुछ का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, तभी लाइफ अच्छी लगती है और जीने का मज़ा आता है ना। Thank you.
फ्रेंड्स, ये जो है बिजली आने के बाद वाला दिन है, तो आप लोग कपड़े से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वही दिन है। तो मैं जो हूँ, अब चलिए क्वेश्चन आंसर जो मैंने इससे पहले वीडियो में पूछा था वो पूछ लेती हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं दिन भर में कितनी बार फेस वॉश करती हूँ, तो सबसे तेज़ जवाब पूजा जी ने दिया, उनका यहाँ स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ, 3 बार करती हूँ, बिल्कुल सही। और इसके बाद जो है आज का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आज का क्वेश्चन कुछ इस तरह है, किस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी कल, वो आपको बतानी है, ठीक है। मैं भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने। चलिए अब बात कर लेते हैं। आप लोग कह रहे थे मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, सब पूछ रहे थे आप लोग, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जो हूँ एक HR रिक्रूटर बन चुकी हूँ। कंपनी का नाम हमारे है SN फ्यूचर वर्ल्ड कंपनी। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी ये कंपनी। और यहाँ पे आपको एज अ HR रिक्रूटर एंड टेलीकॉलर हायर किया जाता है। और यहाँ पे आपको टारगेट दिया जाता है, टारगेट बेस आपको जो है इन अ मंथ 30 कैंडिडेट्स को वो हायर करना रहता है, 30 कैंडिडेट को हायर करना रहता है, ज़रूरी होता है। नहीं मतलब अगर आप कम भी करते हो तो भी ठीक है, ज़्यादा भी करते हो तो भी ठीक है, लेकिन आपको कंपनी ये टारगेट देती है कि 30 कैंडिडेट आप हायर करके कंपनी को दो। अब बात आती है कि कैंडिडेट कहाँ से आएंगे, तो कैंडिडेट कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो सब चीज़ की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। 5 दिन की ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है कि कैंडिडेट आप कहाँ से लाओगे। मैं खुद 10 कैंडिडेट हायर कर चुकी हूँ 5 दिन में, तो आप लोग भी कर सकते हो। और इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी 8,000 to 10,000 प्लस इंसेंटिव, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी सैलरी 12,000 to 15,000 प्लस इंसेंटिव रहेगी। तो बहुत ही अच्छा वर्क फ्रॉम होम जॉब है हम जैसे लेडीज़ों के लिए, कि घर संभालते भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप जब भी फ्री हो काम कर सकते हो। फ्री ज्वाइनिंग है, कोई पैसे नहीं लगेंगे इसमें ज्वाइनिंग के लिए। और अगर आप ये करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करिएगा आई एम इंटरेस्टेड। वहाँ पर मैं आपको अपना इंस्टा ID दूँगी, उस इंस्टा ID पर आप मैसेज करना, देन मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगी वहीं पे आपको मैं, ठीक है। बहुत अच्छा काम है, कोई भी डाउट होगा आप इंस्टा पे ही पूछना, मुझसे क्लियर करना, नहीं तो मैं वीडियो भी बना दिया करूँगी। मैं खुद कर रही हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने में, ये काम बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको सिर्फ ऐसे 2-3 जगह बताए जाएंगे जहाँ से आप कैंडिडेट लाओगे, फिर इसके बाद कैंडिडेट खुद ही आपको ढूंढते हुए आएंगे, ऐसा रहता है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन चलेगा। किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं के भी हो आप वहाँ पे भी बैठे बैठे घर पे अपने काम कर सकते हो। सारी चीज़ें ऑनलाइन चलेंगी, गूगल मीट पे आपका इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगी। सिर्फ आपको इसमें 7 डेज मान के चलिए देने हैं, इसके बाद से आप भी HR रिक्रूटर या टेलीकॉलर बन जाओगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, बस सफल रहूँ, आगे बढ़ूँ, यही आप लोग कामना करिएगा। और अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि और भी लोग कुछ करें जिनको नीड है उस चीज़ की, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कोई भी बात होगी मुझे कांटेक्ट करिएगा, नीचे मैसेज करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।